नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कलाम सिविल सर्विस में। मित्रों, आज जो एग्ज़ाम हुआ है SST की, उसकी आंसर की सबसे पहले आपके लिए लेकर आया हूं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा तो आपको सिर्फ आंसर बता पाऊँगा। जो जो क्वेश्चन पढ़ पाऊँगा उसका देख लीजिएगा, जो लंबा क्वेश्चन है उसका नहीं पढ़ पाऊँगा, सिर्फ आपका आंसर बताइएगा बता पाऊँगा। देखिएगा, चलते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आंसर होगा दोस्तों, कथन और कारण से है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। सभी मानव जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका हो जाएगा दोस्तों, हाँ जी, इसके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा में। आगे बढ़ रहे हैं, कौन से विचारक को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्र की भूमिका का लेखन माना जाता है? तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, मार्सेलिनो ऑफ पेंडुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, शक्ति का समान मूल्य है राजनीति विज्ञान का सबसे घनिष्ठ संबंध है, ये विचार कौन से विद्वान ने दिया था? तो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका, हाँ जी, हेराल्ड लासवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेराल्ड लासवेल हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन तरफ देखिएगा, हाँ जी, 5 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, हाँ जी, श्रद्धापूर्वक का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधानिक प्रारूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना है, तो श्रद्धापूर्वक का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 6 क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, हाँ जी, 1971 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संविधान का पालन। 2 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से टीका करने का कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों की नीति के साथ साक्षात में कोई चूक नहीं की, तो इनमें से किसने कहा था ये बात? हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ग्रेनविल ऑस्टिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं अपन, हाँ जी, जल्दी थोड़ा सा फास्ट करते हैं। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे मित्रों? हाँ जी, ये थे वसुंधरा राजे सिंधिया। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, हाँ जी, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है ना आपका, हाँ जी, वो हो जाएगा आपका 3 नंबर, 44वें संविधान से यह प्रावधान अंतर स्थापित किया गया, तो आपका हो जाएगा 10 नंबर का 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिएगा आपका, हाँ जी, भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देश तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? तो इसमें से हो जाएगा 11 आंसर, हाँ जी, पहला हो जाएगा, कुछ अधिकारों को जो नागरिक और मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। हाँ जी, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ आपको सीधा ही, हाँ जी, 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, हाँ जी, कूट नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? कूट नंबर 1 सही हो जाएगा। आप आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, हाँ जी, 12 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के, हाँ जी, सुरक्षा परिषद के 27 सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 किस वर्ष में की गई थी? तो ये पूछा जा रहा है, 10 वर्ष किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 1965 में। कब करी थी? 1965 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बाहर आया हूँ इसलिए थोड़ा सा आंसर की बनाने में लेट हो गए अपने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए पहुँचा दिया मैंने इसे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं अपन, 14वां क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति की सामाजिक गति में बांटा है? 14वां क्वेश्चन देखेगा, 14वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कामटे हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? कामटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेगा, सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? हम मित्रों क्या कहते हैं? हाँ जी, इसका राइट आंसर हो रहा है आपका समाज। क्या होगा? समाज आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा मित्रों, हाँ जी, 16वां क्वेश्चन के सिर्फ मैं आंसर बता देता हूँ आपको, क्या आंसर इसका, हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, आगे थोड़ा देखिए नीचे आंसर है, हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3 सत्य हैं। ठीक है सर, जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, 1 कथन, कथन 2 और कथन 3, ये 3 सत्य हैं। आगे बढ़ रहे हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखेगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ था? तो इसका 17वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है आपका हो जाएगा 4 नंबर, पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
18 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा मित्रों आपका हो जाएगा, हाँ जी, चार्ल्स कुल्ले हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चार्ल्स कुल्ले आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी उसे आशा की जाती है, यह परिभाषा किसने दी थी? यह दी थी रॉल्फ लिंकटन ने। किसने दी थी? रॉल्फ लिंकटन ने। दोस्तों 19 नंबर का एक नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है क्या कहलाता है? हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। 21 नंबर देखिएगा, हिंदुओं में किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति आवश्यक होती है न ही संस्कारों की? तो आपका गंधर्व विवाह हो जाएगा जिसे प्रेम विवाह भी कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? जो चुनौती नहीं है तो इसका जो राइट आंसर होगा नगरवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगरवाद। हाँ जी, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है, इसके लेखक पूछे गए हैं, व्हाट इज पुस्तक का लेखक कौन है? हाँ जी, इसके हो जाएंगे आपके एलेक्स इंगल्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एलेक्स इंगल्स हो जाएंगे। हाँ जी, गेमाइसॉफ्ट ओम गैसल सॉफ्ट समाज के दो प्रकार हैं, ये किसने उल्लिखित किया है? हाँ जी, ये उल्लिखित करने वाले हैं आपके टोर्नीज। कौन हो जाएंगे? टोर्नीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर 9 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर 9 को मनाया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, हाँ जी, 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा एक नंबर हो जाएगा, परिस्थिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिस्थिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी थी तो ये दी थी दोस्तों, किसने दी थी? ईटी हिलर ने दी थी। तो ईटी हिलर ने ये दी थी। हाँ जी, 28 नंबर देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इंडिया पुस्तक जो लिखने वाले व्यक्ति है ना वो आपके कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे एस वी केलर। कौन हो जाएंगे? एस वी केलर हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन का एक नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाज सदस्य होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है, वह केवल इन्हीं में परिवर्तन है जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कथन किसका ये? हाँ जी, ये जो कथन है ये हो जाएगा आपका किसका? मैकाइवर एवं पेज का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मैकाइवर एवं पेज का हो जाएगा। हाँ जी, निम्न में कौन सी एक सामाजिक परिस्थिति सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? जो परिवर्तन नहीं है ना आपको वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है। 30 नंबर का जो 4 नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 30 नंबर का 4 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ का तत्व नहीं है? इनमें से एक पुरुषार्थ का तत्व जो नहीं है, हाँ जी, इसका हो जाएगा आंसर आपका सी नंबर, संस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कार आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा कौन सा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका 4 नंबर, ए का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए हो जाएगा। ठीक है सर, आगे देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 33 प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संग्रह से दूर है, यह कथन किसका है मित्रों? हाँ जी, यह कथन देने वाले व्यक्ति हैं वो हो जाएंगे वुड्रो विल्सन। कौन हो जाएंगे? वुड्रो विल्सन। सारे जो क्वेश्चन आए ना अपने जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है उनमें से आए हैं सारे क्वेश्चन, है ना? जिस साथी ने वो सारे टेस्ट देखे हैं तो उसके आज अच्छे नंबर बने होंगे। संथानन कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई थी? संथानन कमेटी दोस्तों, संथानन का जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा भ्रष्टाचार। कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन हमारे इसके अंदर पूछा हुआ था। हाँ जी, ये टेस्ट सीरीज का अपने क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बताया भी था आपको। संस्कृति की गरीबी की अवधारणा किसने दी थी? संस्कृति की जो गरीबी की अवधारणा है ना वो दी थी आपके ऑस्कर लुईस ने। किसने दी थी? ऑस्कर लुईस ने। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, हाँ जी, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर, हर्बर्ट ए साइमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्बर्ट ए साइमन हो जाएगा दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? मानवीय समस्या के मानवीय समाधान के लिए मानवीय आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका होगा रोथ लिंक्स बर्गर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोथ लिंक्स बर्गर। 4 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेगा, 38 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, 38 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? हाँ जी,
38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी नंबर, क्या हो जाएगा, सॉरी दो नंबर बोल देंगे इसको, बी बोल दो या कुछ बोल दो, हाँ जी ये हो जाएगा आपका। 39 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन लोक प्रशासन के पोस्ट कार्य विचार का समर्थक नहीं है, पोस्ट कार्य विचार का समर्थक नहीं है, हाँ जी पी ओ पोस्ट कार्य विचार का समर्थक जो नहीं है वो बताना है, तो देखिएगा 39 में कौन हो जाएगा, हाँ जी आपका राइट आंसर हो जाएगा लेविस मेरियम, कौन हो जाएगा लेविस मेरियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स किसने लिखी थी, हाँ जी ये लिखने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट दहल, कौन थे रॉबर्ट दहल। 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, हाँ जी भविष्य में भी ये चैनल बहुत काम आने वाला, आपको मैंने फ्री आपके लिए मैंने टेस्ट सीरीज शुरू करी थी, उसका बहुत फ़ायदा मिला है। निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है, सबसे अधिक केंद्रीकृत जो प्रकार हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका श्रृंखला, कौन सा हो जाएगा श्रृंखला हो जाएगा। अभिप्रेरण की प्रत्यक्ष विचारधारा के प्रतिपादन कौन थे, प्रतिपादक कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका विक्टर ब्रूम हो जाएंगे, विक्टर ब्रूम हो जाएंगे। सहकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था, सहकारी आयोग ने ये सौंपा था कब 1988 को, कब सौंपा था 1988 को सौंपा था दोस्तों। आगे देखिएगा 44 नंबर है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, 44 क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संकट प्रबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा संकट प्रबंध हो जाएगा। 45 नंबर देखिएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, हाँ जी 17 कह रहे थे, कितने कह रहे थे 17 कह रहे थे मित्रों। 45 का बी नंबर दो नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, हाँ जी। रेनिस लिकर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रबंध की है प्रणाली सर्वोत्तम है, सबसे हाँ जी प्रबंधी है प्रणाली जो सर्वोत्तम हो जाएगी आपकी ना वो हो जाएगी आपकी सहभागी समूह है, कौन सी हो जाएगी सहभागी आपकी समूह हो जाएगी, सही। देखिएगा मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हाँ जी। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ जी कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बोस नहीं है, तो आपका आंसर होगा नियंत्रण, क्या हो जाएगा नियंत्रण। 47 का दो नंबर आंसर आप कर लीजिए सही दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं 48 नंबर क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में हुई थी दोस्तों, कहाँ हुई थी ये पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन हमारे टेस्ट सारे लगभग से क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज के दोस्तों हैं, ये मैंने 20 टेस्ट करवाए थे आपको तो, हाँ जी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वीडन, क्या होगा स्वीडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखिएगा, संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत हुआ, तो कब प्रस्तुत होता है ये होता है मित्रों 1968 में, कब होता है 1968 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन के छूट विहित हैं, तो 50 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा धारा 8A, क्या होगा धारा 8A किसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। प्रस्थानांतर से क्या तात्पर्य है, प्रस्थानांतर से दोस्तों हो जाएगा उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र, क्या हो जाएगा उपनिषद गीता ब्रह्म, ये हो जाएगा आपका दो नंबर सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा उपनिषद के अनुसार बर्मा के लिए तजलान शब्द का प्रयोग हुआ जिसका तात्पर्य क्या है, बर्मा की जगत उत्पत्ति अस्तित्व और संकार का कारण, हाँ जी 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता, तो किस कार्य की जांच नहीं कर सकता, हाँ जी इसका राइट आंसर होगा आपका 53 नंबर क्वेश्चन है तो इसका होगा अनुशासन कार्रवाई दोस्तों। 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ हुआ, जन सूचना पोर्टल पूछा गया कब प्रारंभ हुआ राजस्थान में, तो 2019 में, कब हुआ 2019 में हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, इस विचार का समर्थक कौन सा दर्शन करता है, तो कौन सा करता है बौद्ध दर्शन करता है, कौन सा करता है बौद्ध दर्शन करता है दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन, जैन त्रिरत्न है, जैन त्रिरत्न में कौन कौन से शामिल हो जाएंगे, हाँ जी इसमें शामिल हो जाएंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 57 नंबर देखिएगा, वेदों के बारे में आपको क्या करना है, सत्य कथन बताना है वेदों के बारे में, तो वेदों के बारे में सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, हाँ जी तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा, हाँ जी 1 2 4 सत्य हैं दोस्तों, 3 नंबर सत्य नहीं है बाकी ये सारे सत्य हैं। तो देखिएगा 58 नंबर, मैं सोचता हूँ अंत में मैं हूँ संबंधित है, तो देकार्त से संबंधित किससे दोस्तों, देकार्त से। सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है, सुकरात के अनुसार जो सद्गुण है ना वो है आपके अप्राप्य,
सितंबर है दोस्तों, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा सुकरात के अनुसार सदुगुण क्या है, हाँ जी एक है, क्या है एक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्र से महत्व देता है, किसे महत्व देता है ये 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्तव्य को, किसको देता है कर्तव्य को देता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है ना वो होगा आपका, हाँ जी 1 2 3 सम्यक सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, तो 1 2 3 ऑप्शन किसके अंदर है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ रहे हैं 62 नंबर क्वेश्चन, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का समर्थन करता है, तो राइट आंसर होगा कौन सा, हाँ जी इसका जो राइट आंसर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आपका सही हो जाएगा। सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार्य है सुखवादी, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो रहा आपका बैंथम को हो जाएगा, क्या हो जाएगा बैंथम। गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषय सर्वाधिक उपयुक्त विचार है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सत्य ही क्या है ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर आपका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर देखिएगा, नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है आपका एक नंबर हो रहा है, कौन सा हो रहा है कांट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर देखिएगा, संकल्प स्वतंत्र है कि अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल है, तो इसमें जो शामिल है ना वो हो जाएगा आपका, इसका भी हो जाएगा एक तो ये शामिल है, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, इसका 3 आपका नहीं हो रहा है, तो 1 2 4 तो डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, कांट कठोरवाद समर्थन करता है, कांट कठोरवाद समर्थन करता है, तो मित्रों इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा हाँ जी 67 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हाँ जी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर है, हाँ जी शुक्रवादवाद संदेहवादी नहीं है क्योंकि संदेह है असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है, तो 68 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 68 का 2 नंबर आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। वैदिक ऋणत्रय में सम्मिलित नहीं है, ये भी क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज का था दोस्तों, हाँ जी 69 नंबर का राइट आंसर हो रहा है लोक ऋण, क्या हो जाएगा लोक ऋण आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेगा मित्रों, हाँ जी बौद्ध दर्शन धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है, बौद्ध दर्शन में संघ प्रवेश है ना उसको कहा जाता है उपसंपदा, क्या कहते हैं उपसंपदा कहते हैं। 71 का देखेगा आंसर क्या होगा, हाँ जी 71 का आंसर बता देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 8 शिलालेख, क्या हो जाएगा हाँ जी आपका 13 शिलालेख हो जाएगा दोस्तों, तो 13 शिलालेख कर लीजिएगा, मतलब 3 नंबर आंसर आप राइट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जातक के दृश्य सांची स्तूप के तोरण द्वार प्रस्तंभों पर उत्कीर्ण नहीं है, 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका महाजन जातक, क्या हो जाएगा महाजन जातक। निम्न में से किसने देवी चंद्रगुप्त नाटक की रचना करी थी, देवी चंद्रगुप्त नाटक की रचना करी थी, तो इसका राइट आंसर होगा विशाखा दत्त, क्या होगा विशाखा दत्त इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अभी तक किसी साथी ने वीडियो लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना दोस्तों, हम इस क्लास के अंदर सिर्फ 75 क्वेश्चन करेंगे, यदि आगे वाली जो क्लास देखनी है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसके बाद जो 75 क्वेश्चन आएंगे उसको दूसरी क्लास में मैं लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जुन्नीकुर्न अवस्थित है, जुन्नीकुर्न है आपके गुजरात में, कहाँ पर है गुजरात में दोस्तों, याद करिएगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा है ना। निम्न में से ऋग्वेद के मंडल में एक शब्द विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यम डोटोट का उल्लेख मिलता है, 75 नंबर का, तो ये है प्रथम मंडल दोस्तों, कौन सा हो जाएगा प्रथम मंडल हो जाएगा। अगला जो वीडियो आएगा हमारा 75 से आगे जो पीछे 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसका मैं आंसर के लेकर आऊँगा, तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।